बिहार पुलिस की संवेदना पूरी तरह से मर चुकी है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि सोशल मीडिया पर सामने आई ये तस्वीरें बयां कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। वायरल वीडियो में दो महिला कांस्टेबल एक बुजुर्ग शिक्षक पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाते नजर आ रही है। बुजुर्ग शिक्षक हाथ जोड़ कर रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन वर्दी के नशे में मदहोश महिला सिपाहियों को उन पर जरा भी दया नहीं आती है। वायरल वीडियो भभुआ शहर के मंडल कारा के पास का बताया जाता है। दरअसल बुजुर्ग व्यक्ति किसी निजी स्कूल के शिक्षक हैं, जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद वापस से घर लौट रहे थे। भभुआ मंडल काड़ा के पास जाम लगा हुआ था। इसी दौरान बुजुर्ग शिक्षक पैदल ही सड़क पार करने लगे, जो वहां तैनात महिला सिपाही को नागवार गुजरा। महिला सिपाहियों ने बुजुर्ग शिक्षक को सड़क पार करने से मना किया, लेकिन तब तक बुजुर्ग शिक्षक आधी सड़क को पार कर चुके थे। इसी बात से नाराज होकर दो महिला सिपाहियों ने बीच सड़क पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इसी दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल भी हो गया है। वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर लोग तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं। पूरे मामले पर भभुआ डीएसपी ने बताया कि एक वीडियो वायरल होने की बात सामने आई, जहां जांच किया जा रहा है। जांच के बाद जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उधर बुजुर्ग शिक्षक की पिटाई का वीडियो देखने वाला हर शख्स पुलिस की घोर निंदा कर रहा है। बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब खुद को पब्लिक फ्रेंडली बताने वाली बिहार पुलिस का दागदार चेहरा सामने आया है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जुरो दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।